एक नगर के सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षित लोगों में से 65% टीवी दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं और 25% समाचार पत्र पढ़ते हैं और टीवी दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत न तो समाचार टीवी दूरदर्शन पर देखते हैं और न ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि सर्वेक्षित लोगों में से 65% टीवी दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, तो टीवी पर समाचार देखने वालों की संख्या हो जाएगी 65%, समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी 40%, और ऐसे व्यक्ति जो दोनों टीवी और समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी 25%। क्वेश्चन को हम करेंगे वेन डायग्राम से। पहला सर्किल है टीवी के लिए, तो टीवी की संख्या दे रखी है 65% और उसमें से 25% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र और टीवी दोनों देखते हैं, तो दोनों सर्किल का जो कॉमन एरिया होगा दोनों के बीच में, तो 25% हम बाहर लिखेंगे। ये 25% उन लोगों की संख्या है जो टीवी और समाचार दोनों पढ़ते हैं। तो टीवी देखने वालों की संख्या 65%, जिसमें से 25% लोग दोनों पढ़ते हैं यानी टीवी देखते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 65 में से 25 अलग करेंगे तो बचेगा 40%, यानी टीवी देखने वालों की संख्या हो जाएगी 40%। इसी तरह समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग हैं 40%, 25% वो लोग हैं जो टीवी भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, तो 40 में से 25 घटाएंगे बचेगा 15%, यानी 40% वो लोग हैं जो केवल टीवी देखते हैं, 25% वो लोग हैं जो टीवी देखते हैं और समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 15% वो लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाएगी 40 + 25 + 15, यानी जोड़कर आ जाएगा 80%। तो 80% लोग ऐसे हैं जो या तो टीवी देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं, या टीवी भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा था कि सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत न तो समाचार टीवी पर देखते हैं और न ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कुल संख्या है 100%, 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो या तो टीवी देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं, या दोनों टीवी और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे बचेगा 20%। यह है आंसर।